ऑनलाइन फूड सर्विस वेबसाइट जोमैटो के खाने को धर्म से जोड़ने पर एक ग्राहक का ऐसा करारा जवाब दिया कि इसकी सोशल मीडिया पर भी खूब फजीहत होने लगी। ये घटना मध्य प्रदेश के जबलपुर की है, जहां एक ग्राहक ने जोमैटो के डिलीवरी बॉय से सिर्फ इसलिए खाना नहीं लिया क्योंकि वह मुस्लिम था। इस घटिया हरकत पर जोमैटो की तरफ से इस व्यक्ति को करारा जवाब दिया गया है। पहले ये जवाब जोमैटो ने अपने ट्विटर अकाउंट से दिया और बाद में जोमैटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल ने भी अपने पर्सनल ट्विटर अकाउंट पर इसका जवाब दिया। जोमैटो ने लिखा कि खाने का कोई धर्म नहीं होता, खाना खुद एक धर्म है। दीपेंद्र गोयल ने ट्विटर पर लिखा कि हम भारत के विचारों और हमारे ग्राहकों पार्टनरों की विविधता पर गर्व करते हैं। हमारे इन मूल्यों की वजह से अगर बिजनेस को किसी तरह का नुकसान होता है तो हमें इसके लिए कोई दुख नहीं होगा। जहां एक तरफ जोमैटो और उसके फाउंडर के जवाब पर सोशल मीडिया पर लोगों ने दोनों की जमकर तारीफ की है, वहीं धर्म की वजह से ऑर्डर कैंसिल करने वाले पंडित अमित शुक्ल को खूब खरी खोटी सुनाई है। मंगलवार को अमित शुक्ल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस बारे में शिकायत की थी। अमित ने लिखा था कि मैंने अभी अभी जोमैटो पर एक ऑर्डर कैंसिल किया है क्योंकि वहां से एक गैर हिंदू डिलीवरी बॉय भेजा गया था। अमित शुक्ल की तरफ से कई स्क्रीनशॉट ट्विटर पर जारी किए गए और पूरे मामले को उठाया गया, लेकिन ये मसला उन पर ही भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर उन्हें बुरी तरह से ट्रोल किया जाने लगा और समाज में नफरत फैलाने वाला बताया गया। कई लोगों ने ट्विटर से इस अकाउंट को ब्लॉक करने की भी अपील की। न्यूज़ डेस्क।